मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी फंक्शन के बारे में तो हम तुम बता देंगे, लेकिन उससे पहले हम मशीन का कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे, जो चीज़ मतलब आप जब फंक्शन चालू करेंगे वो चीज़ काम करेंगे, तो वो सब चीज़ों का नाम जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है, सबसे पहले बात करेंगे, ये देख सकता है लंबा, इसे कहती है कैलिबर्स। और गाइस कैलिबर जो है अलग अलग तरीका का होता है, ये है इंटरलॉकिंग कैलिबर्स है जो कि 4 एलिमेंट का है और इसमें फ्रिक्शन के लिए होता है, और इसमें अलग अलग यानी 5 एलिमेंट्स का भी होता है, अलग अलग एलिमेंट्स का ये कैलिबर्स होता है, ठीक है। ये बोरिंग के अंदर जाता है, डेप्थ के अंदर से मट्टी निकल के लेके आता है, उसके साथ टूल्स लगा रहता है, आग और बकेट लगा रहता है, ठीक है। जब आप मशीन के पीछे काम करेंगे, और आप जो भी फ्रेंड काम करते हैं आप सभी को पता होगा, मालूम होगा। और कैलिबर्स देख सकते हैं जिसके अंदर से हम डाल के रखा है उसे कहते हैं रोटरी, ठीक है, रोटरी। तो उससे उसका मदद से ही घुमा के ड्रिल करके बोरिंग करना पड़ता है, ठीक है। और गाइस ये रेड कलर जो आप देख रहे हैं ना, लंबा एकदम सबसे ज़्यादा लंबा है ना, ये गाइस मास्ट पार्टिकल है, ठीक है। और उसके साथ जो आप देख रहा है ऊपर में, दो मास्ट के साथ सिलेंडर भी लगा हुआ है, तो दो सिलेंडर के साथ मास्ट लगा हुआ है, और आगे और उसका पीछे, ठीक, इसका पीछे में जो देख रहा है वो पेंटोग्राफ है, ठीक है ना। इस कैली को अप एंड डाउन किस में करता है, उसके लिए देख सकता है यहाँ पर, ये देख सकता है, ये गाइस मेन विंच है, ठीक है। सर आप देख सकता है मेन विंच के साथ रोप दिया हुआ है, ठीक है, स्टील वायर रोप दिया हुआ है, तो उसी वायर रोप जाके कैलिबर के साथ लगा हुआ है। वो क्या करता है, कैली को उठाता है, ऊपर करता है, नीचे करता है। और एक चीज़ क्या है, इधर देख सकता है, यहाँ पर देख सकता है, ये है एक्जिलरी विंच यानी सेकेंड विंच, ठीक है। ये जो ये चला गया मेन विंच है, और वहाँ पे जो है वो एक्जिलरी विंच है सेकेंड विंच। और गाइस सेकेंड विंच का काम क्या है, वो लिफ्टिंग का काम करता है। आप देख सकते हैं इस तरफ, ये देखो, ये है कैचिंग लाइनर है, ठीक है। तो गाइस ये कैचिंग लाइनर फिश करने के लिए, कॉन्क्रीटिंग करने के लिए, कुछ सामान उठाने के लिए एक्जिलरी विंच का यूज़ होता है, और मेन विंच का यूज़ कैली अप एंड डाउन के लिए यूज़ होता है। आप जब मशीन को काम करेंगे, मशीन के साथ इसमें ट्रेनिंग पे रहेंगे, तभी आप अच्छे से मालूम पड़ेगा इसमें कैसे कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को दिखा दिया। जो भी फ्रेंड इस मशीन का पीछे ऑपरेटिंग करते हो, आप लोगों को ये सब कुछ पता होगा, सब कुछ मालूम होगा। लेकिन आज की इस वीडियो मैं ऑपरेटर के लिए नहीं बना रहा हूँ, आज का इस वीडियो जो है हमारा उन फ्रेंड लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो फ्रेंड अभी तक इस मशीन का पीछे हेल्परी कर रहा है, ट्रेनिंग पे है, काम कर रहा है, ठीक है, काम सीखना चाह रहा है, सीख रहा है अभी भी, उन सब फ्रेंड के लिए है। तो गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह होगा तो शेयर करो। और आप अंदर में चलते हैं यानी केबिन का अंदर में चलते हैं, जाके फंक्शन के बारे में दिखाते हैं, फंक्शन के बारे में बताएंगे, तो आ जाओ। और गाइस यहाँ पे देख सकता है, ये हमारा केबिन साइड है, ठीक है। अब इसके अंदर हम फंक्शन दिखाएंगे। और गाइस देख सकता है, ये है शानदार केबिन इस मशीन का। और गाइस ये जो केबिन है बिल्कुल एयर कंडीशन वाला है, ठीक है, एयर कंडीशन सिस्टम इसमें है, तो पूरा कूलिंग में रहता है, क्योंकि जो मशीन है 24 आवर्स काम करने वाला मशीन है, ये बहुत टेम्परेचर में काम करता है, ये कोई छाया में बैठ के काम नहीं करता है, पूरा ओपन प्लेस में बहुत ज़्यादा सनलाइट में, धूप में, टेम्परेचर में काम करता है, एसी होना बहुत जरूरी है। तो गाइस ये पूरा फंक्शन के बारे में दिखाने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ, जो कि केबिन के अंदर रहता है, और वो चीज़ फॉलो करके भी आप फंक्शन के बारे में आसानी से जान सकता है। देखो गाइस यहाँ पे देखो ये, ठीक है, ये पूरा चार्ट आप देख सकता है, पूरा होटल जैसा मेनू कार्ड दे के रखा है ना ये देख सकता है इसमें, और इसमें ये देखो, ये मेंटेनेंस का एक चार्ट दिया है, ठीक है ना, कौन सा पॉइंट में क्या क्या करना पड़ता है, और किस में ऑयल चेंजिंग वगैरह, ग्रीसिंग वगैरह, पूरा चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। और ये साइड में जो बड़ा चार्ट देख रहा है ना, ये बड़ा चार्ट में आपका पूरा फंक्शन यानी मशीन का जितना सारा फंक्शन है, सभी फंक्शन का इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। और इस तरफ आप देख रहे हैं, ये मशीन का रोप कैपेसिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और कितना डिग्री एंगल में कितना लोड आप ले सकता है, ये सब चीज इसमें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप पढ़ के इसमें से आपके भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फंक्शन है, उसके बारे में जान सकता है। और बाकी मैंने आपको डिटेल्स में बताता हूँ, इसलिए कहता हूँ वीडियो को इंड तक देखो। आप अगर काट काट के स्किप करके देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो अच्छे से वीडियो को देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से मैं बताएंगे। फ्रेंड आप देख सकता है, ये हमारा पूरा केबिन सिस्टम है, और यहाँ पर देख सकता है ये जो दो लेबर देख सकता है, ठीक है ना, ये दो लेबर जो है मेन लेबर है, इसका मदद से पूरा मशीन का सबसे ज्यादा काम जो है इस दोनों लेबर में होता है, ठीक है। बाकी ये देखो, ये क्लास है, ठीक है, एक क्लास को उठाने से ही पूरा फंक्शन एक्टिव हो जाएगा, पूरा फंक्शन काम कर सकेगा, और एक क्लास को नीचे डाउन करने से पूरा फंक्शन बंद हो जाएगा, और एक भी फंक्शन में आप काम नहीं होगा, ठीक है। इस तरफ देख सकता है, ये रेडियो डेक है ना, ये कंट्रोलर है, रेडियो डेक का कंट्रोलर है। इस तरफ देख सकता है, ये एसी कंट्रोलर है, ठीक है, यानी एसी एयर कंडीशनर जो है उसका कंट्रोल करने के लिए है मशीन है। और गाइस यहाँ पर देख सकता है, ये मॉनिटर है, डिस्प्ले देख सकता है, पूरा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। यहाँ पर देख सकता है गाइस, ये जो है मर्सिंग लेवर है ना, यानी ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल लेवर है। और गाइस यहाँ पर देख सकता है, ये जस्टिक लेवर है,
ये तो मास्ट वर्टिकल का काम करता है, पूरा मास्ट आगे पीछे लेफ्ट राइट का काम करता है। यहाँ पर देख सकता है इग्निशन है, आरपीएम का काम करता है, ठीक है ना, आरपीएम लो हाई वगैरह पूरा इंजन का स्पीड का काम करता है ना। और यहाँ पर देख सकता है ये मेन की है, चाबी है यहाँ पर है। और यहाँ पर देख सकता है कुछ बॉटम दिया है, बॉटम में थोड़ा दिखाओ, ये देखो ये लाइट है, एक दो तीन है, तीन लाइट है। उसके बाद यहाँ पर वाइपर है ना, और वाइपर का ये वाटर यानी वाइपर का वाटर निकलता ना, वाटर निकलने के लिए। और ये तीनों जो स्विच है ये डमी है, ठीक है ना, उसमें काम नहीं होगा। और यहाँ पर देख सकता है ये है इमरजेंसी स्विच है, जब भी कोई रिक्स यानी कोई खतरा हो इसको तुरंत दबाने से मशीन पूरा एकदम टोटली स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब तक प्रेस में रहेगा तब तक चाबी घुमाने से भी ये और चालू नहीं होगा, ठीक है। और आगे में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखो ये है मेन कीपैड है, तो इस कीपैड से पूरा फंक्शन में अलग अलग काम होता है ना। तो अभी हम चालू करेंगे, चालू करके देखेंगे क्या क्या है। ये देखो सबसे पहले तो चाबी जो है पहले एक बार फुल नहीं घुमाना है, एक बार ऑन करने से यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा इधर लेके आओ कैमरा, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ये हेल्थ है, ये वाफ है, ये वन है और उसके बाद स्टार्ट, ठीक है। तो ऑन करने से क्या होगा देखो, थोड़ा डिस्प्ले में थोड़ा सा समय लगता है ओपन होने के लिए, तो वेट करने के बाद डिस्प्ले जब ऐसा पूरा आ जाएगा ना उसके बाद ही चाबी घुमा के स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है।